गुड मॉर्निंग क्लास एट स्टूडेंट्स, बच्चों, जैसा कि कल हमने अपना 8th क्लास की वर्कशीट 7 इंग्लिश की में टॉपिक शुरू किया था वर्ब यानी क्रिया। उसी वर्कशीट में ही उसका बी और ए और बी पार्ट हमने कर लिया था और उसका सी और डी पार्ट हम आज करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वो उसको देख लें ताकि उनको इन दो वर्ड्स में मीनिंग क्लियर हो जाए कि वर्ब और नाउन होते क्या हैं, ये कैसे हमने उनको यूज़ करना है, कैसे हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। आज की वर्कशीट में क्या है, राइट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एज इंस्ट्रक्टेड। अब कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज़ होते हैं, तो अब हमने उनके सेंटेंस बनाने हैं जिससे कि हम उनका डिफरेंशिएशन बता सकें। जैसे पहला ही वर्ड है आपका टाइम, टाइम एज ए नाउन, टाइम एज अ वर्ब। तो अगर हम उसको वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो कैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही टाइम्ड द शॉट वेरी वेल। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, टाइम्ड, टी आई एम ई डी। इसका मतलब है कि उसने शॉट को बहुत अच्छी तरह से खेला या प्रिसाइसली खेला। तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज़ किया मैंने। अगर हम इसको नाउन की तरह यूज़ करें तो हम कह सकते हैं टाइम इज़ मनी। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो नाउन की तरह से यूज़ हो रहा है। आपकी हेल्प के लिए मैं आपको एक एक सेंटेंस लिखकर आपके साथ शेयर कर दूँगी, पर फिर भी मैं आपसे चाहूँगी कि बच्चों आप अपने आप से भी एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाएं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा थर्ड और फोर्थ, वो है प्ले। प्ले एज अ वर्ब, प्ले का मतलब आप समझते हैं खेलना। जैसे सिंपल से सेंटेंस बना सकते हैं, वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते हैं। अब प्ले एज अ नाउन, तो प्ले जो होता है वो किसी ड्रामा के लिए भी यूज़ होता है बच्चों, तो वहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं वी प्रिपेयर्ड अ प्ले। यहाँ पर प्ले जो है वो एक ड्रामा के लिए यूज़ हो रहा है, यानी जैसे स्टेज पे जो प्ले होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड हमारा डांस, डांस एज अ वर्ब एंड डांस एज अ नाउन। डांस आप समझते हैं डांस करना, नाचना, तो वर्ब कितना यूज़ करना बहुत इजी है, शी डांस्ड ब्यूटिफुली, उसने बहुत सुंदर डांस किया या वो बहुत सुंदर तरह से डांस किया। और दूसरी तरह अगर हम नाउन की तरह यूज़ करेंगे, वी वेंट टू सी अ डांस इवेंट, तो यहाँ पर वेंट वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है 7th और 8th नंबर में ग्लू। ग्लू होता है कोई चिपकाने वाला पदार्थ, जैसे गम जिसको हम कहते हैं। शी रिमेंड ग्लूड टू टीवी फॉर आवर्स, यानी टीवी से चिपक के रहती है। तो अब यहाँ पर वर्ब है ये, यानी टीवी देखती रहती है। और जब हम नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो वो हम एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हम जिसको गोंद कहते हैं या चिपकाने वाला पदार्थ। यूज़ ग्लू टू पेस्ट अ पिक्चर, तो यहाँ पर हमने नाउन की तरह यूज़ किया। लास्ट पेयर है हमारा आंसर, आंसर एज अ वर्ब। आई आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, यानी मैंने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। अब आंसर एज अ नाउन, डोंट कॉपी द आंसर्स, यानी यहाँ पर कॉपी जो है वो आपकी वर्ब है, तो आपका मतलब यहाँ पर यह है कि भी आंसर्स की नकल ना करें। तो इस तरह से आप इसको एक एक सेंटेंस में आपको बता दूंगी और एक एक आप स्वयं भी बनाएं।
रीड आउट द लास्ट इसका जो पार्ट है वो करते हैं अब हम. रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट वेदर द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज्ड एज वर्ब और नाउन. आई विसल एंड द डॉग कम. तो विसल माने सीटी बजाना, तो यहाँ पर विसल ही अंडरलाइंड वर्ड है हमारा. तो ये क्या है? वर्ब. मैंने सीटी बजाई और डॉग जो है वो आ गया. माय विसल वाज ब्रोकन यस्टरडे. यहाँ विसल एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज़ हो रही है. इट टेक्स आर टू पेंट अ वॉल. तो यहाँ पर क्या है? ये नाउन है और आई पेंटेड अ ब्यूटिफुल ट्री. यहाँ पर पेंटिंग करने की बात हो रही है तो ये वर्ब है. माई फेवरेट कलर इज पिंक. माई फेवरेट कलर इज पिंक. यहाँ पे कलर क्या है आपका? नाउन. और आई टुक 10 मिनट्स टू कलर दिस पिक्चर. यहाँ पर कलर करने की बात हो रही है. जहाँ पर कुछ कर रहे हैं हम तो वो वर्ब. माई मदर कुक्स मील फॉर अस. कुक्स मील फॉर अस. तो खाना बना रही हैं तो वर्ब. वी हायर्ड अ कुक फॉर द पिकनिक. अब कुक मैंने आपको पहले भी कल वाले वीडियो में भी बताया था कि हम किसी ऐसे इंसान के लिए भी वर्ब यूज़ करते हैं जो खाना बनाता है. तो यहाँ पर वो उसकी बात हो रही है तो ये नाउन है. तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये डिफ्रेंशिएशन भी समझ में आया होगा कि कहाँ पर हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं और कहाँ वर्ब की तरह. आप इस पूरी वर्कशीट को बहुत अच्छे से करें. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वर्कशीट है बच्चों, और सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी. थैंक यू वेरी मच.